ब्लॉग में आ गए, अब हमें यही चाहिए था। तो यार अभी अभी मैं सो के उठा था, रात को मौसम काफ़ी ठंडा था, तो मतलब एकदम मस्त नींद आई है। और अभी का जो सडन प्लान बना है वो बना है कि हम जाएंगे अब वाकना घाट अपनी मामी के मायके, वहाँ पे एक्चुअली जागरण है। तो मैंने सोचा सारे कज़न जा रहे हैं तो फिर मैं भी चल पड़ता हूँ, तो एकदम बढ़िया सीन हो जाएगा। तो फिर अब हम जाएंगे वाकना घाट, अभी मैं नहा लेता हूँ, तैयार होता हूँ, और फिर अभी मैं बस में निकलूँगा वाकना घाट के लिए, सॉरी बस में ही निकलूँगा यहाँ से सोलन के लिए, और फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट जर्नी। तो अभी मैं हो चुका हूँ तैयार, 50% तैयार हूँ वैसे तो, और तब तक मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ क्योंकि थोड़ा सामान ले जाना भी ज़रूरी है, चार्जर वगैरह डाल लेता हूँ। तो यार अभी हो चुका हूँ मैं तैयार और थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा बस के लिए, बस ही लेनी पड़ेगी, अभी बस में ही जाऊँगा मैं क्योंकि मैं वापस तो आऊँगा नहीं, तो घर में पापा को भी कार चाहिए होती है। तो मैंने सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया, चार्जर ले लिया, मास्क जो भी था वो सब कर लिया है। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से सीधा बस के लिए सोलन को, और सोलन के बाद जाएंगे हम सीधा वाकना घाट। तो यार अभी मैं जा रहा था वाकना घाट की तरफ पर एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, तो फिर मैंने सोचा मैं नहीं जा रहा, इसलिए अब मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए अब मैं यहीं हूँ, इसलिए अब मैं सोऊँगा, इसलिए अब मैं रेस्ट करूँगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी काली बिल्ली ने मेरा रास्ता नहीं काटा है, खुद का ही मन नहीं हुआ, मतलब कि यार कोरोना भी है ना तो यार क्यों जाना, दिल मार के झूठ बोल रहा हूँ, पर मम्मी ने मना कर दिया कि क्यों जा रहे थे, किसने बुलाया, फिर मेरे दिल को बात चुभ गई और अब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आप भी बताना कभी आप लोग तैयार हो गए हो और आपके घर वालों ने सडन आपको बोल दिया कि नहीं जाना, तो आपको कैसा लगा होगा। मैंने चेंज तो कर लिया है, मेरे को जाने तो दिया नहीं मम्मी ने, तो मैं हो रहा था काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो मैंने सोचा खुशी का ठिकाना कहाँ है, तो मैंने फ्रिज खोला और फ्रिज में है खुशी का ठिकाना, तो मैं इनको करूँगा गरम और गरम गरम खाऊंगा गुलाब जामुन। तेरी सोनी सोनी सखियां, और अब हम चलेंगे गरम गरम गुलाब जामुन खाने। चुपचाप साइड में खा लेता हूँ शांति से। तो यार अभी अभी मैंने गुलाब जामुन खाए हैं तीन, गरम गरम अच्छे थे, पर यार नहीं यार नहीं खाने चाहिए, गला ख़राब हो जाता है। तो अभी मम्मी मेरे को बुला रहे थे कि खाद ले आ, मिट्टी ले आ, बीज लगाने हैं, तो हम अब सब्जियों के बीज लगाते हैं, घिया कद्दू तोरी के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे लगाएंगे अभी इनके बीज। लिफाफे में भर के लगाने हैं, बाल्टी में लगा दो, ये लिफाफों में बाल्टी में कम आएंगे ना, कुछ बाल्टी में लगाएंगे, इसकी वजह से ये खराब हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, ओके। तो भी मम्मी भर रहे हैं लिफाफों में खाद और मिट्टी, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्लांट्स। हमने एप्पल की वैरायटी लगाई है सैंपल के लिए, कहते हैं कि ये लो पहाड़ों में भी हो जाता है, नीचे लोअर हिमाचल में भी हो जाता है। ये है M11 एप्पल, तो हमने M11 लगाया है एप्पल का। ये जामुन का पेड़ घर के बाहर, और ये है आम, इसके अलावा संतरा भी है, और अभी मैं आपको दिखाऊँगा ब्लैक हैमर पलम, ये हमने पलम लगा के रखा है इसमें, ये ब्लैक हैमर कहते हैं इसको, शुगर फ्री पलम है ये। और इस सामने है हमारा संतरे का पेड़, संतरे के तीन लगा के रखे हैं, ये आम लगाए थे दादू ने किस टाइम में, और ये है पपीता, ये भी पपीता है, पपीते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कीवी, कीवी लगाई थी अभी हमने रिसेंटली, जब हमने सेब लगाए थे तो उसी टाइम हमने कीवी भी लगाई थी। तो ये देखो ये नीचे कीवी हो रही है, यहाँ पे कीवी हो रही है, मम्मी ने भर दिया इसमें खाद, और इसमें लगाएंगे दो दो तीन तीन बीज लगाएंगे। इसके बाद जब बड़े हो जाएंगे ना पौधे,
मतलब कि जब इनकी बेल निकलनी शुरू हो जाएगी तब हम इसको निकाल के खेत में लगाएंगे ज़मीन में किसी पेड़ के साथ, ताकि इनकी बेलें ऊपर को जाए और इनमें लगें सब्जियाँ। किस किस चीज़ के बीज है? ये है खीरे के, काली तोरी, मक्खन बीन, करेला। हमारी प्लांटेशन हो चुकी है ओवर, अब हम अंदर बैठ के करते हैं आराम। बाहर तो बहुत धूप है यार, आज काफ़ी तेज़ धूप। और ये है हमारा कालू।